टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर 2021 आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन होता है तो चेन्नई सुपर किंग्स को महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन नहीं करना चाहिए। चोपड़ा ने इसकी वजह भी बताई है। उनका मानना है कि अगर टीम धोनी को रिटेन करती है तो टीम के 15 करोड़ रुपए धोनी पर चले जाएंगे। उन्होंने इसके लिए सीएसके को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि धोनी को रिलीज कर दिया जाए और जब उन्हें कोई टीम खरीदे तो राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वापस टीम में लाया जा सकता है। चोपड़ा ने एक वीडियो में कहा, मुझे लगता है कि सीएसके को धोनी को रिलीज कर देना चाहिए अगर मेगा ऑक्शन होता है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धोनी को टीम में ना रखें, वो अगला आईपीएल खेलेंगे और अगर आप उन्हें रिटेन करते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए भरने होंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर धोनी रुकते हैं और वो महज 2021 आईपीएल खेलते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए 2022 सीजन में वापस मिलेंगे, लेकिन तब आप उस पैसे का क्या करेंगे? यही मेगा ऑक्शन का फायदा है। सीएसके राइट टू मैच कार्ड के जरिए उन्हें वापस टीम में ला सकता है। उन्होंने आगे कहा कि शेन वॉटसन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और अगले साल आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, सीएसके को मेगा ऑक्शन की जरूरत है क्योंकि टीम के पास ज्यादा ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिन्हें वो रिटेन कर सके। सीएसके के लिए आईपीएल 2020 काफी निराशाजनक रहा। टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। इस टूर्नामेंट के 13 साल के इतिहास में पहली बार धोनी 200 रन भी नहीं बना पाए और उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक तक नहीं निकला। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।